What's up guys? So you know what? कितना bad हो रहा है क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ उनकी bite लेने के लिए वो लोग चले जाते हैं rehearsal के लिए. But don't worry, मैं try करूँगा. Try है, मुझे करना ही करना है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के प्यार के लिए. तो अभी लोग रिहर्सल में चल रहा है. सी काफ़ी ऑलमोस्ट काफ़ी कास्ट तो पीछे बैठे गए. तो मैं सबका मेरा स्टार्ट करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा एक्चुअल में ये होता है. लाइक हमें अक्सर ऐसा लगता है ना कि दिस लाइट कैमरा एक्चुअली जो थिंग चीज़ होती है इट्स वेरी इजी, फटक से हो जाती है. पर नहीं यार, इट्स रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस, डेडिकेशन एंड टीम वर्क. बिकॉज हाँ ऑफकोर्स ये इंडस्ट्री, इट्स अ इंडस्ट्री ऑफ सेलिंग ड्रीम्स. समझ रहे हो आप, ये ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है. तो यहाँ पे छोटी सी छोटी चीज़ को भी ना ये लोग 10 बार रिहर्सल करते हैं, 10 बार सेटअप करते हैं और बेहतरीन तरीके से, ताकि जब वो आप लोगों के स्क्रीन पर आए तो हर एक चीज़ उसमें एकदम अच्छी होना चाहिए. बिकॉज फाइनली थोड़ा सा टाइम मिल चुका है चिटचैट करने का. हाय, हाउ आर यू? टू वॉच सिद्धि विनायक. अभी हमारे 100 एपिसोड हो गए हैं, 100 होंगे और फिर उसके बाद 1000 होंगे और ऐसे करते रहेंगे. और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा. अभी जो हमारी स्टोरी है वो बहुत अच्छा ट्विस्ट आने वाला है, बहुत अच्छा मोड लेने वाली है. आप देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. सिद्धि विनायक. नितिन सर, आप मुझे ये बताइए कि आपको इसका सुनना, यानी कि कीड़ा लगा कैसे? किसका? सिद्धि विनायक एक्टिंग का. कहता है कि आर्टिस्ट लोग की लाइफ बहुत ही सिंपल होती है. आप यकीन नहीं मानोगे, जब से मैं यहाँ पे आया हूँ कितनी बार इन्होंने रिहर्सल के लिए जा चुके हैं, बहुत मुश्किल से अभी इनको पकड़ के मैंने बिठाया हूँ. तो हाँ, हम कहाँ थे सर? हम ये कह रहे थे कि आपको एक्टिंग का कीड़ा लगा कहाँ? देखो, एक्टिंग का कीड़ा नहीं था एक्चुअली, वो मकोड़ा था. ओह, मकोड़ा था. दूसरी चीज़ ये कि मैं बचपन से चाहता था कुछ ना कुछ अच्छा करूँ, अच्छी इसी लाइन में कुछ करना है. तो मैं बॉडी मैंने पहले ही बना ली थी, बट मैंने ये सोच के नहीं बनाई थी कि मेरे को एक्टिंग करनी है. मुझे बहुत अच्छा लगता है वर्कआउट करना और रेगुलर जिम जाना. मतलब आप फिटनेस फ्रीक हो, आप फिटनेस फिजिक बनाइए, वो आपने अपने हेल्थ के लिए बनाया, शो ऑफ करना कोई सीन नहीं है, वो अपने आप दिख जाती है. वो तो अपने आप दिख जाती है. वेरी ट्रू. तो उसके बाद जब मैं बॉम्बे आना कोई प्लान नहीं था एक्चुअली, बस मजाक में बॉम्बे में आ गया. और उसके बाद अच्छी बॉडी थी तो बॉडी से रिलेटेड जिम के शूट्स और एक्टर्स बनना चाहते हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी बना के मत आइए. सबसे पहले आप सीख के आइए, अच्छी एक्टिंग सीख के आइए. बिकॉज यहाँ पे आने के बाद आप ऑडिशन देते हो और अच्छे से नहीं कर पाते, डिप्रेशन में जाते हो. तो पहले आप सीखो, ये जो बॉडी बना, सब लोगों को बुला लीजिए. ये सब चीज़ें प्लस पॉइंट है, बट प्लस पॉइंट से पहले जो मेन पॉइंट है वो आपको एक्टिंग आना. जैसे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, एक्टर बनने के लिए भी. बोला बोला. मैं अपने हर इंटरव्यू में एक बात बोलता हूँ, जो भाई या जो भी बहन या जो भी लड़की, जो भी लड़का एक्टर बनना चाहते हैं, मंजरी शंकर आ जाइए, उसके बाद ही बॉम्बे आइए. चीज़ वो है कि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे. अच्छा दिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अच्छा करना बहुत ज़रूरी है. आपने इंडस्ट्री में बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते हैं बट बहुत अच्छा कमाल का काम कर रहे हैं. बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग अच्छे नहीं दिखते हैं मगर वो काम इतना अच्छा करते हैं कि आपको उनसे प्यार हो जाता है. तो मेन चीज़ें, अगर आप अच्छा काम करना जानते हैं, ये इंडस्ट्री काम मांगती है, बाकी चीज़ें प्लस पॉइंट है. अच्छा दिखना, लंबी हाइट, छोटी हाइट, मोटा पतला, गोरा काला, ये बात की चीज़ें हैं. बट आप अच्छा काम जानते हैं, आपको काम मिलेगा. एक बार बताते रहो, हमारा भी अच्छे से टाइम पास कर दिया आपने. श्योर श्योर. और वैसे आपकी बहुत होगी ब्लॉगिंग, मैं भी बना देता हूँ थोड़ी सी, मुझे भी खेलने दो. अरे आप, आपको ब्लॉगिंग करनी है? मैं करता हूँ, अच्छे से करता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से. चलो, मेरे कुछ और फ्रेंड्स हैं जो आप सीरियल्स में देखते हैं, उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ. आइए, ये हमारी गौरी भाभी हैं. आपने इनको देखा होगा मुझे परेशान करते हुए, इनको मारने का प्लान. हाँ, ये बहुत परेशान करते हैं, बट रियल में बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छी हैं. आप कुछ बोलोगे अपने व्यूवर्स को सिद्धि विनायक के लिए? नहीं बोलूंगी, ये मेरी बेस्ट जो है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. देखो, घंटे से वेट कर रही है, आराम से बैठी है. देखो, नहीं मेहनत की इसने, दो चाय पी ली इसने आगे यहाँ पे. नहीं मैं चाय नहीं पी, कुछ तो पिया था, इन्होंने देखा, दूर से देखा, मेरे को ये नहीं पता क्या पिया था क्या नहीं पिया. ऐसा बहुत बहुत गलत सुना था. मैं चाय भी पीता हूँ, मैं ब्लैक कॉफी भी पीता हूँ, मैं ग्रीन टी भी पीता हूँ. दिन भर ब्लैक कॉफी पीता हूँ. नहीं, एक दो बार चाय भी पी लेता हूँ जब मन. और सारे क्रैकर्स बिस्किट भी अच्छा. और सबसे बड़ी चीज नोटिस की, कितनी गंदी नजर है इनकी मेरे पे. ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, ये भी पी लेते हैं. जब भी हम दादा को बोलते क्रैकर लेके आओ, इतना क्रेजी मत बोलो, ऐड हो जाएगा. तो ये हमारी दूसरी मेरे छोटे भाई की वाइफ बैठी हैं, प्राची. चलिए,
तो प्राची जी आप कहना चाहेंगे लोगों को? मैं आपकी एंट्री बोलूंगा, रिद्धि आ जाओ पोजीशन पे, शो देखिए चल रहा है बहुत अच्छा। मंजरी आप घूम रहे हो, रोल रोल बस लोगों को बताइए हमारे 100 एपिसोड है उसके लिए। हां कल हम लोग के 100 एपिसोड कंप्लीट हो गए, हमने फुल मस्ती किया, बहुत डांस किया और इसको लाइंस याद करानी पड़ती है पहले, फिर ये बोलती है रोल हो गया। मैं आपको आने को बोल दूंगा, ऐसा है मुझे बुला रहे हैं शूटिंग के लिए, मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ नहीं मैं ट्रॉली से कर लूंगा, बचाइए शादी फिक्स करने के लिए। अब देखो कितने लोग आए हैं, कितनी लड़कियाँ आई हैं, तो उसमें से मुझे एक चूज करनी है कि किससे मुझे शादी करनी है कि नहीं। बट फाइनली मैं कैसे शादी कर सकता हूँ सिद्धि के बाद? यार मैं सिद्धि से बहुत प्यार, शादी किस जैसे इनकी और सिद्धि की बॉडी अच्छी है, क्योंकि जब मैं मेहंदी पहन में इनका इंटरव्यू लेना था तो उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें बताई है। आपका रास खोला उन्होंने, क्या रास खोला भाई? बहुत रास खोला उन्होंने, पहला रास्ता नहीं खोला है कि ये कहते सकते हैं कि लड़कियों को बहुत टाइम मिलता है, हम लोगों को कम लगता है, तो उन्होंने बताया कि इनको भी कम से कम एक घंटा लगता है जब इनका बॉडी शॉट होता है ना, तो भाई साहब देखेंगे वीडियो में बॉडी मेकअप करता है। एक इतने पे मेकअप हो और एक इतने पे मेकअप हो, टाइम तो लगेगा ना यार। ये बात तो लड़कियों को इतने पे दो घंटे लगते हैं, मुझे अगर इतने पे एक घंटा लगता है क्या प्रॉब्लम? कभी कभी नहीं, उसकी आदत है बोलने की, बट उसे भी 15-20 मिनट तो उसको फेस का मेकअप करने में लगता है, और अगर उसके बॉडी शॉट लग रहे हैं तो वो तो स्पेशली रूम में जाकर फुल बॉडी क्लीन करा के फिर उसके ऊपर मेकअप एंड पता नहीं क्या क्या, बट वो अंदर जाके करता क्या पता नहीं, आधे घंटे बाद बाहर निकलता। आप लोगों को तो अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए करता हूँ मैं तो, वैसे भी दिखा दूंगा ना शेडो का कि मेरी बॉडी दिख जाएगी, बट आप लोगों के लिए मैं और अच्छा देखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। सो डू वॉच सिद्धि विनायक, आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें हमने दिल से आपको सब कुछ दिखाया, पर्दे के पीछे का हाल, आपके आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से बात भी कराई, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इंडियाना ट्यूब।